हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। एंड मैंने बहुत सारा काम था जो ख़त्म कर दिया है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ चेक आउट माय चैनल। आई डू व्लॉग बेस्ड ऑन ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड फैशन समटाइम, बट मोस्टली इट इज़ रिगार्डिंग ट्रैवल, बिकॉज यू नो आई ट्रैवल अ लॉट बिकॉज ऑफ सम वर्क एंड एवरीथिंग। सो माय चैनल इज़ लाइक दैट ओनली। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालती हूँ। सो येस, एंड थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है बिकॉज इस रूम में एसी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैंने पंखा चला रखा है। ऑल्सो मेरा रोड टच घर है, सो रोड का भी आवाज़ आता रहेगा। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बड़ा सा भरा हुआ थैला, क्योंकि हम गए थे मुंबई, रिमेम्बर? तो मुंबई हॉल पेंडिंग है ना दिखाने का आपको। दिस इज द बैग, मेरे जितना है ना ये बैग। गाइस प्लीज डोंट माइंड माय पीजेस, बिकॉज ऐसे सब मैं बोलती रहती हूँ। एंड ये मैंने बहुत सारा सब ले लिया, एंड इट वॉज माई सडन ट्रिप, तो मेरे पास सिर्फ एक ही हैंड बैग था। ले लिया तो मैं रखूँगी कहाँ, क्योंकि वापस भी तो आना था, तो एयरपोर्ट में मैं कहाँ डालती सब। तो मुझे एक बहन दिखे जो ये ऐसे वाले बैग हील रोड पे लेके खड़े थे। आप लोग अगर जाते होगे तो पता ही होगा ऐसे बैग वाले बहन होते, जिसने मुझे ये बैग शायद दिया 200 समथिंग। येस, एंड उसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट्स थी, लाइक हॉर्स बना हुआ था एंड दूसरा फ्लावर्स बना हुआ था। बट आई रियली लाइक दिस साइकिल, आई थॉट आई कैन यूज़ इट समवेयर, बट ये बहुत ही बड़ा है, लाइक ये शॉपिंग के लिए ही है। इसका मेन पर्पज़ है कि हम शॉप करें और इसमें डालें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द हॉल। सो शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं एंटर हुई तो मुझे दिखा था एक भाई जो थे वो ना सब वाइट कलर का लेके बैठे थे, एवरीथिंग इज वाइट। तो मुझे ये वाला टॉप दिखा जो पहले ही दिख गया था, दिस वन। दिस इज अ वेरी स्ट्रेची टॉप, मतलब कोई भी पहन सकता है इसको। सो ये तो मुझे झंझट थी ही नहीं कि मुझे होगा कि नहीं होगा, ऑल दो मेरा साइज अभी बढ़ गया है, बिकॉज यू नो अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने अपने डाइट पे। राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। सो दिस इज़ द टॉप आई रियली लाइक। अभी मैं पहन के नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही गर्मी है। जब जब भी मैं पहनूंगी आई विल पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम, प्लीज चेक इट आउट, एंड आई विल टैग ऑल्सो दैट दिस इज फ्रॉम हिल रोड और फ्रॉम वेयर। सो आई रियली लव दिस टॉप। दिस मे बी अ क्रॉप टॉप फॉर मी, बट आई लव इट। ये थोड़ा ऑफ वाइट कलर का है और ऐसा मटेरियल बना और नीचे से ऐसा फ्रिल जैसा है। सो आई रियली लाइक दिस टॉप। और बाय द वे मैंने ये वाली जो कुर्ती पहनी हुई है मेरे पापा ने दी है, पापा का जो बिजनेस है उससे ये बना हुआ है। सीक्वेंस वर्क आपको दिख रहा होगा, ये वाला सीक्वेंस वर्क है यहाँ पे, एंड स्लीव में भी है। ये बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है गर्मी के लिए स्पेशली। सो ओके, सो नेक्स्ट जिस शॉप पे मैं गई थी वहाँ पे मुझे ये वाला शर्ट दिखा। यहाँ से मैंने दो चीज़ें ली थी, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दिस इज़ सेज ग्रीन कलर काइंड ऑफ थिंग, एंड इट इज़ द सॉर्ट ऑफ सिल्क। हियर यू कैन सी सम वर्क इज़ गोइंग ऑन, सम एम्ब्रॉयडरी, सो गुलाब बने हुए हैं, रोजेस का पैटर्न बना हुआ है, फ्लावर, और ऐसे पूरे शर्ट में अलग अलग है। तो बिकॉज आई अटेंड सो मच मीटिंग्स एंड आई गो टू यू नो सम वर्क ऑफिस एंड एवरीथिंग, सो आई कैन वेयर दिस ऑन अ कॉर्पोरेट काइंड, आई मेड अ कॉर्पोरेट लुक बाय दिस टॉप, एंड नाइस मटेरियल। दिस इज नॉट लाइक कि इसमें गर्मी होगी, कलर भी बहुत अच्छा है, डस्क स्किन टोन पर बहुत अच्छा लगेगा। सो इसी शॉप से मैंने एक और चीज़ खरीदी थी जो थी ये, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है फॉर समर। स्लीव्स
स्लीव पे काम है. दिस इज वर्क नॉट प्रिंट. ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो गले पे भी है एंड दोनों स्लीव पे है. एंड इसका मटेरियल बहुत ही सूदिंग है. सी और कलर भी कितने अच्छे भरे हुए हैं ना. तो ये मैंने जानबूझ के बड़ी साइज ली थी. ये शायद एक्सेल या एल है और टैग नहीं है यहाँ पे, सॉरी. लेकिन उसने मुझे कहीं से अंदर से निकाल के दिया था तो मुझे ये ओवर साइज ही चाहिए था. तो इसको शायद मैं ब्लू डेनिम पे स्टाइल करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा. ऑफकोर्स जब पहनूंगी आई विल पोस्ट इट डाउन. उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पे सब डालती हूँ, जो भी मैं वेयर करती हूँ, मेरा ओओटी ऑफ द डे, ओओटी ऑफ ऑफिस, एयरपोर्ट, ट्रैवल, एनीवेयर, आई ऑलवेज पोस्ट इट डाउन. ये वाली शॉपिंग ना मैंने इतना चुटकियों में कर दी, लाइक 20 to 25 मिनट में अमृत सागर के बाद जो निकली तो मैं ऐसी निकली ना. दिस इज द नेक्स्ट थिंग. दिस इज अ कॉटन शर्ट, लेकिन इसका मटेरियल सच में बहुत ही अच्छा है. कलर, कैन यू सी द कलर? दिस इज नॉट येलो, दिस इज लाइक वेरी लाइट ग्रीन, लेमन कलर काइंड ऑफ थिंग. तो ये लगा हुआ था और शायद ये मेरी ही साइज थी. देखो इसका स्लीव भी देखो अभी तक ऐसा मुड़ा हुआ है. और द सोल स्टोर आपने नाम सुना होगा जो अभी बहुत ही चल रहा है, राइट? तो सोल स्टोर आप लोगों को पता ही होगा. सी इसके कपड़े थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि मैंने देखा हुआ है, लेकिन ये मुझे शायद 300-350 में पड़ा है क्योंकि ये बोल रहा था मुझे 550. मैंने इसका कम करवाया था और उसने मुझे तुरंत दे दिया. और मुझे ये पर्सनली क्यों अच्छा लगा, बिकॉज ये ओवर साइज ऑलरेडी है, मतलब इतना भी नहीं है. एंड मैं चेस्ट से देख लेती हूँ कुछ भी चीज़. सी सो इसको मैं ओपन करके भी पहन सकती हूँ, इसको मैं क्लोज करके भी पहन सकती हूँ. एंड लुक एट द कलर, सीरियसली आई लव दिस कलर. ऑल्सो जो फर्स्ट टॉप मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये जो टॉप दिखाया ये था 200 का. मैं ऑलवेज भूल जाती हूँ ना आपको प्राइस बताना. ये 200 का था, यहाँ से कुछ बिलो 200 का था, फिक्स प्राइस थी. फिर ये जो ग्रीन और ये वाइट जो मैंने सेम शॉप से लिया था, इसका मैंने शायद 800 दिया था. ऑफकोर्स ये लोग तो भाव बहुत बड़ा चढ़ा के बोल, इसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितने का लिया था मैंने. ओके एंड मैंने पता नहीं क्यों समर की ही शॉपिंग की है. लाइक जो चीज़ मुझे वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी इतनी हो रही थी, इतना पसीना निकल रहा था क्योंकि मैंने खुद का ब्लॉग किया ही नहीं. आप लोगों ने देखा होगा मैंने खुद का एक भी शॉट लिया नहीं, इतना पसीना मतलब बह रही थी मैं पूरी की पूरी, मेल्ट हो रही थी. तो मैंने नहीं लिया, कम लिया है. द नेक्स्ट थिंग इज दिस. दिस इज आई गेस अ यूनिफॉर्म ऑफ हिल रोड, बिकॉज ये वाली प्रिंट मैंने बहुत जगह देखी. लेकिन वॉट अ मटीरियल, सीरियसली बहुत ही अच्छा मटीरियल है इसका. इस पे तो लिखा है MNG एंड दिस इज द शर्ट. ये शर्ट भी बहुत अच्छा है ऑफिस वेयर के लिए. इसको पहनो, नीचे पैंट पहनो एंड यू आर गुड टू गो. ऑल्सो कहीं पे आप कॉफी डेट पे जा रहे हो या फिर लंच डेट पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, यू कैन वेयर इट आउट. इसके नीचे वाइट अगर डेनिम है बहुत ही क्लासी लुक हो जाएगा अगर वाइट है तो, क्योंकि मैच हो जाएगा इसके साथ. एंड आई एम गोइंग टू स्टाइल इट विथ वाइट. ओके सो ये था 300. नो अभी दो चीज़ बाकी. फिर ये था जो मुझे मिला, एक गली के अंदर एक शॉप थी, मतलब बाहर ही लटके हुए थे जहाँ पे प्लाजोस थे. तो दिस इज़ द प्लाजो एंड पैंट काइंड ऑफ थिंग. ये मैंने एक बार पहना हुआ है, बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे ये वाला नेट जैसा कुछ लगा हुआ है एंड आई रियली लव दिस कलर. मुझे ये कब से चाहिए था तो मैंने ले लिया. ऑलरेडी मैंने एक कुर्ती के साथ इसको स्टाइल भी कर लिया था क्योंकि ये ऐसा कलर है इसके भी साथ चला जाएगा, राइट? अभी कपड़ों का ख़त्म हो रहा है. लास्ट चीज़ मैंने ली थी जो एक पैर थी, बिकॉज मैं वहाँ पे एक काम से गई थी जहाँ पे मैंने मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो स्पेशली उसी चीज़ के लिया था. एंड फिर उसी कपड़े को पहन के मैं, मेरा एयरपोर्ट आउटफिट भी वो बन गया था. ओके सो आई रियली लाइक दिस पैर. इट इज़ इन पर्पल कलर बट ओम्ब्रे इफेक्ट. सो दिस इज़ अ चिकनकारी कुर्ती.
एंड इसमें ओम्ब्रे इफेक्ट है. सी सी दिस इज द ओम्ब्रे इफेक्ट. ओके सो दिस इज द चिकन करी कुर्ती. और इसमें भले रोड पे था लेकिन इसका आप काम देखो. वर्क पूरे इसमें अलग अलग किया हुआ है. पीछे भी ऐसा छोटा सा बना हुआ है. स्लीव में नहीं है, स्लीव में छोटे से ऐसे यहाँ पे काम है थोड़ा. एंड उसके साथ उसका पैंट था. दिस इज द पैंट. इसमें भी ओम्ब्रे इफेक्ट है एंड इसमें भी यहाँ पे वर्क है. सो ये क्योंकि मैंने पहना हुआ था और उसको आयरन करना बाकी है. अगर आप देखोगे तो इसका मटेरियल ऐसा है, ऐसा आपको लगेगा कि ये सिल्क है देखने में, लेकिन दिस इज नॉट अ सिल्क. दिस इज अ वेरी पतला काइंड ऑफ कॉटन. और इसको वॉश किया है पर भी फिर भी इसका शाइन ऐसा का ऐसा ही है. एंड आई रियली लव इट. मैंने फ़ोटो खींचा नहीं क्योंकि मैं अकेली थी, मैं किसी को एयरपोर्ट पे नहीं बोल सकती थी फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैंने नहीं खींचा है. लेकिन पूरी जर्नी में मैंने यही पहना और मुझे लगता है कि अब से ना एयरपोर्ट आउटफिट में मैं जनरली कुर्तीज नहीं पहनती हूँ, लेकिन आई रियली लाइक टू स्टाइल विद कुर्तीज. ये पैर बहुत ही अच्छा बन गया है. यू कैन ट्रैवल, यू कैन वेयर इन, गो टू मंदिर, यू कैन डू पूजा. नेक्स्ट टाइम अब जब मैं इसको वेयर करूँगी मैं डेफिनेटली फ़ोटो खींचूँगी और बहुत अच्छे से रेडी होंगी मैं ज्वेलरी ब्रुलरी मैचिंग करके, हेयर को कॉम करके, सब करके. सो अभी ज्वेलरी पार्ट है. सो फर्स्ट थिंग मैंने जो देखा तो ये ऑफकोर्स जंग ज्वेलरी हम लेंगे नहीं क्योंकि हम बैंड्रा में हैं. तो ये 100 rupees का था. एंड दिस इज द इयर रिंग्स. वेरी ब्यूटीफुल एंड लगता नहीं है कि मैंने रोड पर से खरीदी है और बहुत ही हल्की फुल्की है. लाइक इसका मेरा मेन कंसर्न यही था कि बहुत वजन ना हो, लेकिन ये बहुत ही हल्का फुल्का है, दिखने में ऐसा बड़ा दिखता है. एंड द डिटेलिंग पार्ट इज ऑल्सो गुड. सी मुझे लगता है कि मैं इसको कुर्तीज पर पहनूंगी, मुझे मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बड़ी इयर रिंग्स पहनने का बहुत शौक है. तो 100 में इट इज़ अ वेरी गुड परचेज अकॉर्डिंग टू मी. कोई इयर रिंग्स पहना नहीं है बाय द वे बिकॉज मेरा पियर्सिंग हुआ है नया नया एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी चांस एनी रिस्क. और अभी वैसे भी समर चल रहा है तो दैट इज द रीज़न. नेक्स्ट थिंग इज मेक शॉप पे गई थी जहाँ पे मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी. तो पहला ध्यान मेरा गया था इयर रिंग्स पे जो है हार्ट शेप की. अभी ये बहुत चल रही है, अलग अलग शेप में होती है, लेकिन आई रियली लव दिस हार्ट शेप. आई होप ये मुझे हो जाएगा क्योंकि जनरली बास्केट शेप की इयरिंग्स मुझे होती नहीं. लेट्स ट्राई. मुझे हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, बट कुछ तो हुआ है. ये एकदम चिपक गया है मेरे कान से, बट इट लुक्स गुड राइट. तो ये रिंग को हम अभी पहन के रखेंगे क्योंकि मेरी नेल्स बड़े हैं तो मेरे हाथ से निकलेगा नहीं. तो नेक्स्ट थिंग इज दिस इयररिंग्स. आई रियली लाइक दिस इयररिंग्स क्योंकि छोटी मोटी पूजा या छोटा मोटा घर में फंक्शन हो यू कैन वियर इट आउट. यू कैन वियर इट ऑन साड़ीज एंड यू नो कुर्तीज ऑल्सो, इवन ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट टॉप ऑल्सो यू कैन वियर. अगर आपने मोतियों वाली कोई माला पहन के रखी है उसके साथ बहुत ही मैच होगा. और लगता नहीं है ना कि मैंने रोड से ख़रीदा है. ब्यूटिफुल इट इज, इट विल लुक गुड ऑन मी. एंड द लास्ट थिंग इज दिस हार्ट शेप इयररिंग्स. आई रियली लाइक इट. ये मुझ पे बहुत ही अच्छी लगेंगी. एक शीक सा यू नो बन बना के देन आई विल वियर इट विथ अ डीप निक टॉप और ड्रेस. इट विल परफेक्ट. इट इज इन सिल्वर. आई वॉन्टेड इन रोज गोल्ड और गोल्ड, बट
दैट इज़ फाइन, इट वॉज नॉट अवेलेबल. एंड बहुत बड़ा सा ना एक मोती था, मुझे लगा मुझे लेना चाहिए क्योंकि मूंछ पे इतना बड़ा था. लाइक देन आई डिड नॉट परचेज इट, आई रिग्रेट इट नाउ. इस बार मुझे चप्पल लेने का मन नहीं किया क्योंकि अभी ना मैं थोड़ा कंफर्टेबल जोन में हूँ, तो चप्पल मुझे ऐसी चाहिए जिसमें मैं चल सकूँ बहुत ज़्यादा. तो मुझे वो चप्पल जो स्ट्रीट पे मिलती है ऐसी, वो मुझे अभी कम पसंद आती है, तो मैंने वो परचेज नहीं की. The next day. Hello, good morning. मैं रेडी हो चुकी हूँ जुमके बुमके पहन के. This is the top which I have purchased from Heel Road. And this is the bracelet which my friend gave me on Rakhi. So right now I'm going to a coffee shop so I can work there. And here this is my bag. This is the bag. This is me. I'm going. हाँ, बाल बांध रही हूँ अभी मैं, देखती हूँ. This is the chappals. A few moments later. The next day. Hello everyone. Good morning. This is Sapna Mehr and today I'm going for voting. वोट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग सब भी जाओ वोट करने. एंड मैं भी जा रही हूँ मेरे भाई बहनों के साथ. बहुत गर्मी है यहाँ पे, बाल बांध दिए लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ. मेरी सिस्टर जो अभी प्रेग्नेंट है वो भी जा रही है, तो वोट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.